हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू जुबा, और मैं हूं राजेंद्र अहलावत। और आज है संडे का टाइम, और संडे टाइम हमारा होता है जनरली वीकेंड टाइम, हम लोग जरा बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज सारा दिन 6 दिन होते हैं काम करने के लिए, 7वां दिन रेस्ट का होता है, और संडे हमारे पास इकलौता दिन होता है जहाँ पर हम निकल जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ हर बार आपको कि एक नई जगह पर लेके जाऊँ, और आज भी मैं आपको एक नई जगह ले जाने वाला हूँ। सो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या सीन होता है। मैं भी पहली बार वहाँ पर जा रहा हूँ, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा माहौल है वहाँ पर, क्या है। जुबा में बहुत कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ मेरे आते नहीं है। हफ्ते में एक आधा वीडियो मैं डालता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता लगे जुबा में कैसा व्यू है, क्या कुछ है यहाँ पर चल रहा है। सो चलिए चलते हैं उस लोकेशन पर और दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि साउथ सूडान में ना आप ज़्यादा फिल्मिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ना फोटोग्राफी कर सकते हो ना फिल्मिंग कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। इसीलिए आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और मेरे जो बाहर से जो लोग आते हैं अपने, इंडियंस वगैरह या कोई भी आता है बाहर से यूट्यूबर वगैरह, तो उनको बहुत मशक्कतें करनी पड़ती हैं यहाँ पे पास बनवाने के लिए, परमिट लेने के लिए। और उसके बाद भी जो है ना, हर बंदा इनको आगे तंग करता है कि आप यहाँ पे क्यों शूट कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, वैसा कर रहे हो। सो काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ता है हम लोगों को, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको काफ़ी कोशिश करता हूँ कि संडे वाले दिन मैं आपको गाड़ी में बैठ के ही यहाँ के बारे में बताऊँ, साउथ सूडान कैसा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसी यहाँ की एनवायरनमेंट है, क्या है। सो इसी से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि कैसी कंट्री में हम लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं। साउथ सूडान एक बहुत पिछड़ी कंट्री है इस टाइम पे देखा जाए तो, हर चीज़ के हिसाब से सबसे पीछे चल रही है, बट कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब तो बिल्डिंग से बननी स्टार्ट हो गई, नहीं तो हम तो पहले इस तरह के घर देखा करते थे, सिंगल जैसा घर है, अब तो इंडिया की तरह कंस्ट्रक्शन होने लग गई है। देखिए सामने भी एक बिल्डिंग देखेंगे तो 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो जैसे ही हमारे इंडिया में बनती हैं, पक्की बिल्डिंग सब बननी स्टार्ट हो गई। सामने देखिए कितना बड़ा एक स्ट्रक्चर है। तो अब धीरे धीरे इनको वैल्यू पता लगने लगा है ज़मीन का, कि ज़मीन की क्या वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से ये लोग सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑटोज़ देख के तो आपको लगेगा नहीं कि आप लोग साउथ सूडान के अंदर हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम तो इंडिया में ही घूम रहे हैं। बाकी चीज़ों से ज़्यादा आपको ऑटो नज़र आएंगे यहाँ पे, बिकॉज ये एक सुविधा हो गई लोगों के लिए। पहले बोडा, जो सामने मोटरसाइकिल जा रही है उसको बोडा बोलते हैं ये लोग, और इसमें एक ही सवारी जाती थी, अब इसके अंदर 3-4 सवारी लेके जाते हैं ये लोग, और ना धूप लगती है ना कुछ, और तो इससे फ़ायदा हो गया लोगों को, और एक साधन भी बढ़ गया है ट्रैवलिंग का। संडे का कुछ ऐसा माहौल है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बट फिर भी लोग निकले होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। ये सबर्ब्स का एरिया है एक्चुअली, टाउन यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आज हम जा रहे हैं एक दूसरी डायरेक्शन में, तो एक नई जगह पे जाके आपको दिखाते हैं कैसा कुछ होता है वहाँ पे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये अभी नई सड़क बनी है हाल में, मेरा ख्याल से 2 या 3 दिन हुए हैं, पहले सब कच्ची हुआ करती थी। और यहाँ पे सड़कें बनना जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जुबा जैसी जगह में, खासतौर पर साउथ सूडान के अंदर, बिकॉज ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर नहीं है। और जब भी कोई नई सड़क बनती है तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वो देखिए कितनी शानदार सड़क बनाई है ये, और शहर के अंदर अगर इस तरह की सड़कें बन जाएं तो क्या मज़ा आएगा चलने का, हर बंदे को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, नहीं तो गड्ढों के अंदर से चलना पड़ता है, 4x4 कार चाहिए होती हैं। अगर ऐसी सड़कें हों तो नॉर्मल कार्स भी आपको यहाँ पे चल पड़ेंगी। और यहाँ पे पहले इस तरह की लैंड क्रूजर्स चलती थी, ये देखिए हार्ड टॉप, इसी में सब लोग चला करते थे, अब तो ऑटो आ गए हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये जो खम्भे आप देख रहे हैं ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये सब बिजली की वो दी हुई है यहाँ पे फैसिलिटीज़, बगैर इनकी बिजली आती जाती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, तो इस करके ऊपर 100% इसके ऊपर हम लोग नहीं वो करते हैं। सो इसलिए लोगों ने सभी ने जनरेटर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये एक यूनिवर्सिटी है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रही है, पहले सब कंटेनर्स के अंदर चलती थी यूनिवर्सिटी है, तो अभी इन्होंने काम लगा दिया इसका। सो इस एरिया में होटल्स भी काफ़ी बन गए हैं, और आगे भी बनते जा रहे हैं बड़े बड़े होटल्स, बिकॉज़ ये एयरपोर्ट एरिया के नज़दीक में है सारा का सारा एरिया। सड़क बनने से काफ़ी इस एरिया की ग्रोथ हो रही है काफ़ी जल्दी, और लोग कंस्ट्रक्शंस में भी काफ़ी बिलीव कर रहे हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती जा रही है। सो दोस्तों ये हम नई जगह पे आ चुके हैं, और ये इनका पूल है, स्विमिंग पूल, और इसका नाम है होटल रिवेरा। मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और छोटी सी जगह, एक अच्छी जगह है बैठने के लिए यहाँ पर, चिल करने के लिए संडे को, और अच्छा लगता है जब हम नई जगह पे कहीं जाते हैं। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे,
ये सब इंडिया से हैं। अपने वीनू को तो आपने पहले भी देखा होगा, ये अपने भाई साहब नेपाल से हैं, ही इज GM इन सम होटल, और ये इनके कुलीग हैं, ये भी अपने साउथ इंडिया से हैं। सो अभी इन्होंने ज्वाइन किया, अभी कुछ आने वाले और फ्रेंड्स हैं हमारे जो जल्दी ज्वाइन करेंगे हमारे को, सो उनसे भी मिलाते हैं और फिर आगे का देखते हैं कैसे स्विमिंग वगैरह कुछ करने का मूड है भाई साहब लोगों का आज। सो चलिए चिल करते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आज नई जगह पे जहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो कुछ इतना मज़ा आ भी नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जब होती है तो इतना अच्छा लगता है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए सब कंस्ट्रक्शन का सामान डला हुआ है बिकॉज ये छत वगैरह नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे पूल इस तरह का नज़र आ रहा है और कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने और ज्वाइन कर लिया था, तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम एक नई जगह पर जाने वाले हैं, दूसरी जगह के ऊपर जहाँ पे अभी पहले आप लोग गए नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाता हूँ आपको जाके। और ये कुछ फ्रेंड्स हैं, आप इन्होंने ज्वाइन किया है, उमेश है, ललित है और बाबूलाल जी हैं। तो अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं और आपको एक नए डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं। सो वहाँ इससे बेटर कुछ होएगा, तो चलिए वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी पहुँच गए हैं निबले रिजॉर्ट के अंदर। ये एक दूसरी लोकेशन है, जहाँ हम पहले गए थे वो दूसरी लोकेशन थी और इसको बोलते हैं निबले रिजॉर्ट। ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। हमारी एक यूट्यूबर है साउथ सूडान की, काफ़ी फेमस, इनका नाम है मारी और इनसे आपकी मुलाकात करें। शी इज़ कॉल्ड मारी, शी इज़ फ्रॉम साउथ सूडान एंड शी इज़ अपकमिंग यूट्यूबर, शी इज़ बीन डूइंग वेरी वेल। और ये इनका स्विमिंग पूल का एरिया है ऐसा कुछ, और सामने जो इनके रूम्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए संडे को चिल आउट करने के लिए। सो ये अपने सब इंडियन भाई उतर गए हैं स्विमिंग पूल के अंदर इस टाइम पे, और बाकी अभी कोई है नहीं, सब मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। तो बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्विमिंग पूल का कुछ अपना ही मज़ा आ जाता है यहाँ पे गर्म एरिया के अंदर। आज मैं अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेके आया, एक्चुअली स्विमिंग कॉस्ट्यूम कभी लाऊंगा तो मैं भी कोशिश करूँगा, मेरे को स्विमिंग इतनी अच्छी आती नहीं है। ये वीनू भाई साहब, इनको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है तो अपना लगे हुए हैं स्विमिंग करने के लिए। क्या ललित भाई, स्विमिंग करने का दिल नहीं कर रहा क्या? जाना है? अच्छा, आप नहीं जा रहे सर? नेक्स्ट में मैं भी अपने कॉस्ट्यूम नहीं लेके आया एक्चुअली, तो अगली बार इकट्ठे करेंगे फिर। मारी, हाउ इज योर डे? हाउ इज योर डे गोइंग? वाओ, बट इट्स गुड टू नाइट, नाइस टू सी विद ऑल ऑफ इंडियन फ्रेंड्स एंड साउथ सूडानीज फ्रेंड्स टुगेदर, इट्स अ नाइस व्यू एक्चुअली। आई वुड हैव जॉइंड यू बिकॉज आई डिडंट केम विद माय कॉस्ट्यूम, so that is the reason why I'm not joining you, maybe next time when we are coming, so I will surely join you with next time. You're wearing neon pants. Next time I have to be with my costume. Guys, no, let me tell you something, it's a very part of the time you come with swimmer, but you don't get it. Actually you already had a swimming costume, I didn't have one. So agli bar jab main aaunga to main inke sath swimming karunga, but aap maza lijiye inke sath. So ek bar एक बार और हैं, चलो 1 2 3। तो अभी स्विमिंग वगैरह सब कर लिया है इन्होंने और अब हम लोग खाने की प्रिपरेशन करते हैं, इसके बाद एक बार सब निकल जाए तो फिर बढ़िया इंडियन खाने का आनंद लेते हैं सभी। सो गाइस, अपना खाना भी अब आ चुका है टेबल के ऊपर, और ऐसा कुछ यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है इस टाइम पे, नान वगैरह हैं, कुछ अपना चिकन टिक्का मसाला है, बटर चिकन है और नान डिफरेंट कलर उसके हैं, कोई चिली नान है, कोई गार्लिक नान है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम लोगों का दिन यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों का दिन बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, सब चिल किया सभी को, और मारी हमारे साथ थी, ये भी एक यूट्यूबर है, इनका चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, मारी चिकुआ के नाम से, और सपोर्ट हर इन हर फ्यूचर वीडियोज़। और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू दैट सो दैट यू कैन सी मोर अपकमिंग वीडियोज़ इन द फ्यूचर। सो लेट्स चिल फ्रॉम नाउ एंड सी यू सून इन सम न्यू वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।